अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि ख्वाजा ख्वाजगान हिंदल वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक जो है मुकम्मल हो चुका, और उसके बाद में मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा कि वहाँ पर कैसा इस बार मंजर देखने को मिला। खुदामों ने किस तरीके से गुंडागर्दी दिखाई, किस तरीके से बरेलवी जायरीनों को जो है निशाना बनाया, उन पर हमला किया। मामले की शुरुआत कहां से हुई, ये भी आप तमाम हजरात को मालूम होगा। मामले की शुरुआत होने की वजह ये थी कि उर्स से पहले जो है सैयद जादगान कमेटी की जानिब से जो सेक्रेटरी हैं सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने एक लेटर पैड जारी किया जिसमें यह कहा था कि यहां पर आकर कोई भी किसी तरीके के नारे ना लगाए, सलाम ना पढ़े, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि यहां पर जो कदीमी सलाम पढ़ा जाता है वही सलाम पढ़ा जाएगा, और लेटर पैड बांटने के लिए भी मना किया। इस चीज को लेकर के जो है बरेलवी जायरीन जो थे वो सख्त नाराज भी हुए, क्योंकि दरगाह जो है वो किसी की जागीर नहीं है, तो उनका मानना ये था कि वहां पर जाकर हम नारे भी पेश करेंगे, सलाम भी पढ़ेंगे, और जो है जो हमसे हो सकेगा, जिस तरीके से हो सकेगा, हम उस तरीके से जो है अपनी अकीदत पेश करेंगे। इस चीज को लेकर जब वो चिढ़ गए तो वहां जाकर उन्होंने नारे लगाए और जो मामला थे उन्होंने सलाम भी पढ़ा। इस चीज को लेकर जो है वहां के खादिमों को बुरा लगा, और जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का नारा लगा तब ये राफजी मुजाबिर चिढ़ गए। ये मामला वहीं से शुरू हुआ, और झगड़े की जो असल वजह थी वो यही थी, और इस चीज को खुद सैयद सरवर चिश्ती ने बताया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने बरेलवी जायरीनों को मारा आप तमाम हजरात ने देखा होगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उसके बाद में दूसरे दिन भी जब वहां जो है बरेलवी जायरीन वहां चादर लेकर गए तो फिर भी उन्होंने नारेबाजी की, वो बाज ना आए, उन्होंने नारेबाजी जो है जारी रखी, क्योंकि दरगाह जो है वो किसी के जागीर नहीं है। उनका कहना यही था कि ये हमें मार रहे हैं, हम मार खा सकते हैं, लेकिन इनकी जब यही जिद है कि यहाँ नारा नहीं लगेगा तो हम नारा लगा कर ही जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उसके बाद जो है बहुत बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत भी वहां पर तशरीफ ले गए, और जिनमें सबसे पहला नाम जो है पीर शाकिब शामी साहब जो इंग्लैंड से तशरीफ लाए, और इमरान जो है इलियास सत्तार कादरी के साहिबजादे वो भी पाकिस्तान से तशरीफ लाए, और जो है सैयद अमीर कादरी साहब का भी एक वीडियो सामने आया, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो वहां पर तशरीफ ले गए थे। तब भी नारे लगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप तमाम हजरात को क्या लगता है कि अगर वहां के सैयद जो है ये सज्जादा नशीन और ये खुद्दाम जो है अगर ऐसा ऐलान ना करते तो बरेलवी हजरात ना चढ़ते और ये सारा मामला पेश नहीं आता? आप तमाम हजरात की क्या राय है कि आखिर ये झगड़े की असल वजह क्या हुई अगर ये ऐसा ना करते? क्योंकि अभी तक कोई भी झगड़ा सामने नहीं आया है, आज तक उसमें ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है जैसा झगड़ा इस मर्तबा हुआ है। आप तमाम हजरात की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।